ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 21 फरवरी 2024 को सेनापति मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में बलवान हो रहे हैं, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 21 फरवरी 2024 को मंगल डिग्री वाइज बलवान हो रहे हैं। बाल अवस्था को छोड़कर कुमार अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और 14 मार्च 2024 तक मंगल मकर राशि में प्रभावी रहेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों को अब मंगल किन मामलों में विशेष सकारात्मकता देंगे, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ये फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, ज्योतिष में मंगल को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो ऊर्जा, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, विज्ञान, सौतेली मां, रोग और खून, मुकदमेबाजी, इन सब विषयों के कारक भी माने जाते हैं, यानी इन सभी चीजों पर इनका विशेष प्रभाव होता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं और अभी वर्तमान में जिस राशि में चल रहे हैं, मकर राशि इनकी उच्च राशि होती है और जब ये कर्क में जाते हैं तो ये परम नीच अवस्था में हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर मंगल अगर प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो कई प्रकार का उत्साह जीवन में देते हैं। बलि मंगल का प्रभाव जीवन में संघर्ष में, विपरीत परिस्थितियों में ऊर्जा, उत्साह और शक्ति प्रदान करता है। मंगल बलवान हो तो खेल, सेना, शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बलि मंगल का प्रभाव छोटे भाई बहनों की उन्नति जीवन में करवाता है। वहीं ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से काफी बलवान होता है, युवा दिखाई देता है। कम उम्र में ही ऐसा व्यक्ति युवा दिखाई देता है। पीड़ित मंगल का प्रभाव जीवन में कई प्रकार की निराशा और प्रतिकूलताओं को भी दिलवाता है। मंगल कमजोर होते हैं तो कर्ज की परेशानी होती है, शत्रुओं से पराजय का सामना करना पड़ता है। विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास की कमी, जीवनी शक्ति की कमी बनी रहती है तथा छोटे भाई बहन से संबंध खराब रहता है। मंगल कमजोर होते हैं तो जीवन में बीपी, रक्त से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, अल्सर, ट्यूमर, फोड़े फुंसी की समस्या शरीर में होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल प्रबल योग कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी शुभ ग्रह माने जाते हैं और वर्तमान में 21 तारीख को आपके सप्तम भाव पर प्रभावी हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं। सप्तम भाव केंद्र भाव कहा जाता है और इस भाव से वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, डेली वेजेस के इनकम के बारे में, दैनिक व्यवसाय के बारे में, साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार के बारे में भी विचार करते हैं। तो यहां पर आपके जीवन में कई प्रकार का उत्साह और सफलता मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य को लेकर चलेंगे तो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने में समर्थ रहने वाले हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचाने वाला है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी, इसकी वजह से कर्म क्षेत्र में सकारात्मक तरीके से आप आगे बढ़ने में समर्थ रहने वाले हैं। वर्तमान में ऐसे जातक जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, पुलिस, फौज, प्रशासनिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं, जबरदस्त उन्नति और सफलता की संभावना बनने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर बनेगा और पिछले समय से यदि आपके पार्टनर के साथ, यानी वैवाहिक जीवन में कोई भी गलतफहमी आपके जीवन में यदि बनी हुई है, सभी प्रकार की गलतफहमियां
दूर होने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में तनाव से भी राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल के जो प्रथम भाव पर आपके ऊपर दृष्टि है वो आपके मानसिक तनाव को, आपके ऊपर चल रहे दबाव को समाप्त कर सकती है। वर्तमान में मंगल की जो अष्टम दृष्टि है दर्शकों, आपके धन भाव पर जाने वाली है। यहां पर आपके लिए आर्थिक मामलों में मंगल आपको शुभता देंगे। 14 मार्च तक मंगल का उच्चस्थ अवस्था और आपके सप्तम भाव पर प्रभावी अवस्था न केवल आपके धन के स्रोतों में बढ़ोतरी करेगी, बल्कि आप धन का संचय भी आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बचत नहीं हो पा रही है, बचत करने में यदि आपको असफलता हो रही है, उससे आपको निजात मिल सकती है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए और मंगल जनित दुष्प्रभावों को जीवन से दूर करने के लिए मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाएं, मीठे प्रसाद का भोग लगाएं, सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं, हनुमान जी के समक्ष करते हैं, निश्चित ही आपके जीवन में सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर होंगी, मन में उत्साह बढ़ेगा और सफलता भी आपको मिलने वाली है। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को आप लाइक करें। और कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट या किसी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।